फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने ब्लॉग का ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा उससे पहले जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल डिस्कवर क्या होता है और आप अपने पोस्ट को गूगल डिस्कवर के अंदर कैसे ला सकते हैं। कुछ महीने पहले मैंने आपको एक और वीडियो में कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 7 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल फॉर SEO इन 2013, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सबको समझा रखा था कि 7 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल कौन कौन से हैं जो आपके ब्लॉग के लिए बेस्ट SEO के साथ साथ आपको कीवर्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर ये वाला वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फिर ऊपर आई बटन में भी ये वाले वीडियोज़ के लिंक डाल दूंगी। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कीवर्ड रिसर्च आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो नए ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, मेरे पास एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू मैसेजेस करते हैं, उनको बहुत सारे क्वेरीज होती है। और मैंने एक्चुअली में अपना ये जो यूट्यूब चैनल है वो इसीलिए ही बनाया था कि मैं बिगिनर लेवल पर लोगों की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे, ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे मन में रेज हुए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे लर्न करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि कोई कुछ बताने वाला नहीं था। तो ऐसे ही लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था कि मैं बिगिनर्स जो होते हैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। आप अगर मेरे चैनल पर देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस जो भी मिलेंगे वो आपको बिगिनर लेवल पर सारे हेल्पफुल मिलेंगे। अब जो भी बिगिनर्स हैं, जो अभी ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उन सबको बहुत हेल्पफुल होगा मेरे वीडियोस में। तो ये जो 7 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में जो मैंने बताया था, इसके बाद आज हम जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च का जो तरीका है वो क्या होता है, किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो किसी वीडियो के साथ कंबाइंड होगा जिसमें मैंने आपको आर्टिकल लिखने का तरीका बता रखा है, उसके अंदर मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च का भी तरीका बता रखा है, लेकिन अलग से आज मैं सेपरेटली उसका एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो आप कीवर्ड रिसर्च है वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है बैकलिंक क्या है और हाई क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनाए। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है वो आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको कुछ और भी नीचे वेबसाइट्स दिख रही होंगी। नीचे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको इन सारे क्वेश्चंस को भी, क्योंकि ये जो है पीपल आल्सो आस्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन क्या होता है, लोग पूछते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर जो भी बैकलिंक रिलेटेड क्वेरीज होती हैं वो सब उन सब जगहों पे आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी बेसिकली गूगल पे ये वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी लोग पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये क्वेश्चंस को पिक करना है और अपने ये जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं उसके अंदर आप FAQ सेक्शन बना सकते हैं और उसके अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। दूसरा, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ सजेशंस में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो क्वेश्चंस अभी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं जैसे अभी कुछ और यहाँ पे कीवर्ड टाइप करके देखती हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें इन हिंदी, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके देखूँगी तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ रिलेटेड सर्चेस आ रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल पर ब्लॉग कैसे बनाएं, ब्लॉगिंग क्या है इन हिंदी, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, मतलब ये सारे जो सर्चेज हैं, ये जो क्वेश्चंस एक तरीके से ये लोग भी सर्च करते हैं इन सब के बारे में भी, तो ये भी रिलेटेड सर्चेज होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कीवर्ड अपने आर्टिकल्स के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स आपको टॉप पे दिख रही होंगी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे अबाउट 2,43,000 रिजल्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, मतलब इतने सारे वेबसाइट्स पे इसका जो ब्लॉग है वो अवेलेबल है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिख सकते हैं। आप आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ इन्होंने क्या कर रखा है इस वाले ब्लॉग में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने अपना टाइटल यूज़ किया है। टाइटल लिखने के बाद आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, इमेज के साथ साथ इन्होंने कंटेंट यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स जो होते हैं वो भी दिखा हुआ है। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की लिस्ट दिख जाएगी। टेबल ऑफ कॉन्टेंट कैसे बनाते हैं ब्लॉगर पर और वर्डप्रेस में, इसके बारे में भी मैंने वीडियोज़ बना रखा है, उसका भी आपको पूरा का पूरा वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो लिंक है वो डाल दूंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, इसके साथ अपना ब्लॉग कैसे शुरू करें, मतलब जो भी चीज़ इन्होंने टिप्स वाइज सारी की सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखा है कि आप ब्लॉगिंग किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डोमेन नेम, होस्टिंग, ब्लॉग्स को कैसे सेटअप करना है, ब्लॉग के लिए लैंग्वेज कैसे आपको सेलेक्ट करना है, मतलब सारी चीज़ों इन्होंने अच्छे से एकदम क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है।
और इनका जो लुक है वो अच्छे से आपको रीडेबल है, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इन्होंने हर चीज़ अच्छे से एकदम डिस्क्राइब कर रखी है, इसीलिए ये जो है वो रैंक कर रहे हैं टॉप पे। इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन लिखा है, यानी कि निष्कर्ष, कि आपने इतनी सारी जो वेब्स, इतनी सारी जो आपने ये जो ब्लॉग पढ़ा है, इसमें आपको नीचे लास्ट में आपको क्या समझ में आया। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी नीचे आता है ना, वैसे इसमें भी इन्होंने लिख रखा है कि आपको यहाँ पे क्या आपको सीखने को मिला है, इन्होंने आपको इस ब्लॉग में क्या क्या समझाया है। इसके साथ साथ नीचे इन्होंने इंटरलिंकिंग भी करी हुई है, और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे बहुत से लोगों का कमेंट भी आया हुआ है। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने हर चीज़ को अच्छे से समझा रखा है, इन्होंने जितने वर्ड्स यूज़ किए हैं, काफ़ी लंबा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने, क्लियरली लिखा हुआ है, साथ में इन्होंने टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स का भी यूज़ किया हुआ, इसीलिए ये जो है वो रैंक कर रहे हैं, क्योंकि इनका हर चीज़ प्रॉपर SEO हो रखा है, अच्छी चीज़ें इन्होंने एकदम अच्छे से क्लियरली लिखा है ये आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका क्या करना है, यहाँ से URL कॉपी करना है, और URL कॉपी करने के बाद आपको जाना है नील पटेल के साइट पे, नील पटेल ओवर सजेस्ट एक ही साइट है, आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसका बैकलिंक चेक करना है। मैं यहाँ पे गई बैकलिंक ओवरव्यू में, और यहाँ पे आपको ये वाला जो URL है वो पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये URL इसने अपने आप ले लिया है। इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इट लुक लाइक्स यू डोंट हैव मेनी बैकलिंक एंड SEO ट्रैफिक, लेट्स फिक्स दैट। यानी कि ये वाला जो इनका URL है, इस URL पे बिल्कुल भी कोई भी बैकलिंक्स नहीं बने हुए हैं। अब हम इसकी वेबसाइट का, नॉर्मल जो वेबसाइट है उसका जो बैकलिंक है वो चेक करते हैं। मैंने यहाँ से इसका आगे का जो URL था वो हटा दिया है। अभी आप देखेंगे इसने डोमेन अपने आप ले लिया है। अभी हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 10 है, रेफरिंग डोमेन जो है वो 27 है, और बैकलिंक इनकी साइट पर आप देख सकते हैं 1643 है, जिसमें से 19 नो फॉलो बैकलिंक है, बाकी सारे के सारे डू फॉलो बैकलिंक्स हैं। डोमेन अथॉरिटी इनकी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 है। आप चाहें तो इनके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो डोमेन अथॉरिटी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इस ये वाला जो कीवर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं, इस वाले कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ इसका चेक कर सकते हैं, इस डोमेन की जो एज है वो चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली है, वेबसाइट seochecker.com। यहाँ पे हम उस वेबसाइट का URL डालेंगे। URL डालने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पर चेक करना है, और फिर चेक DAPA पे क्लिक कर देना है। इससे आप इस साइट का DAPA भी पता लगा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 10 है, पेज अथॉरिटी 20 है, और टोटल जो बैकलिंक है वो 1K दिखा रहा है आपको। यहाँ पे स्पैम स्कोर 1%, और इस डोमेन की जो एज है वो आपको 1 year 3 12 days है, यानी कि लगभग इसको 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल होने वाले हैं इस डोमेन को, यानी कि इस वेबसाइट को। तो क्या होता है कि जो डोमेन की एज होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने यहाँ पे देखा कि ये टॉप पे रैंक कर रही है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 10 है, और इसका जो लिखने का तरीका है वो किस तरीके से है। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे एक दो और वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उसका बैकलिंक कितना है। तो इसकी जो बैकलिंक है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो इनका जो बैकलिंक है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो आप चाहें तो इसे रिलेटेड किसी कीवर्ड पे आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर इस कीवर्ड पे भी आर्टिकल लिख सकते हैं, क्योंकि जो डोमेन अथॉरिटी है अभी वो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 10 भी डोमेन अथॉरिटी होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। आप चाहें तो किसी और यहाँ से कीवर्ड को पिक कर सकते हैं, जैसे ये एक कीवर्ड है यहाँ पे, ब्लॉगिंग क्या है इन हिंदी। अगर मैंने ये वाला कीवर्ड यहाँ से पिक किया है, इस वाले कीवर्ड का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला ये वाला वेबसाइट आया है। आप इस वेबसाइट को जाकर के भी चेक कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है अभी। ये वाला भी URL मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, पेस्ट करने के बाद हम इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, इसके पास अभी भी बैकलिंक नहीं है, हम इसका सिर्फ URL का जो वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट URL है उसका बैकलिंक चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए डोमेन आ चुका है, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 12 है, रेफरिंग डोमेन 251 है, बैकलिंक जो है वो 4339 है, यानी कि इसका और भी ज़्यादा जो है बैकलिंक्स हैं वो है, आप इसको बीट नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो स्टार्टिंग लेवल पे आप उन्हीं को बीट करने का ट्राई कीजिए जिनका जो डोमेन अथॉरिटी है वो 1 से लेके 5 के बीच में हो,
और ये रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स कम हो। तो आप उन्हीं कीवर्ड पे आर्टिकल्स लिखिए जिनका जो डोमेन अथॉरिटी है वो कम हो और बैकलिंक्स भी कम हो, तभी आप उनको बीट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उनको बीट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी आपको कीवर्ड, जो भी आपके कीवर्ड आपके माइंड में आता है, आप उसके लिए सेम प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च का एक और तरीका है, देखिए मैं गूगल पे आकर के मैंने यहाँ पे सब चीज़ डिलीट कर दिया है जो भी यहाँ पे था, वो पूरा क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ट्रेंडिंग सर्चेस दैट यू माइट लाइक। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ है जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो ट्रेंड कर रही है अभी। तो अभी आप देखेंगे इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जूनियर डॉक्टर्स, इमरान खान, रूप बंसल M3M, चाइना इंडिया, निर्मला सीतारमन, बेजूस, अजंता सर्कस भुवनेश्वर, लाइव स्को, WTC, फाइनल इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा वाइल्ड फायर स्मोक, एयर क्वालिटी, मिस वर्ल्ड 2013 इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी ट्रेंडिंग में है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट करेंगे तो टॉप 10 दिखा रहा है आपको, जो भी ट्रेंडिंग सर्चेस हैं टॉप 10 है। आप गूगल ट्रेंड्स में भी जाएंगे तो भी वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल दिख जाएंगी। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर का भी यूज़ कर सकते हैं और आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्चेस जो दिख रहे हैं इसके ऊपर भी आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगली चीज़ जो है वो आप ये कर सकते हैं, यहीं पर गूगल के अंदर आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जैसे अभी आपको यहाँ पे कीवर्ड दिख रहा है इमरान खान, अभी मैंने यहाँ पे इमरान खान डाला। इमरान खान डालने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस दबाया है, उसके बाद यहाँ पे एक्टर मूवी, पाकिस्तान, एज, वाइफ, मूवीज़, क्रिकेटर, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे एक एक्टर वर्ड और जोड़ दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो गया। एक्टर लिखने के बाद मैंने स्पेस दबा दिया, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसका कीवर्ड वो चेंज हो गए हैं। नीचे आपको विकिपीडिया इन हिंदी, रिलेशनशिप, वाइफ, एज, लेटेस्ट पिक्स, सॉन्ग्स, इंस्टाग्राम, मदर, हाइट, इन फीट वगैरह सारी चीज़ें आ गई। अभी अगर मैंने मूवीज़ डाला इसमें तो मूवीज़ के बाद आप देखेंगे मूवीज़ और ले लिया मैंने, तो उसके बाद नीचे आपको लिस्ट, इंस्टाग्राम, सॉन्ग्स, अपकमिंग मूवीज़, बॉलीवुड, हॉलीवुड सारी चीज़ें, मतलब जैसे जैसे आप वर्ड्स एंटर करते जाएंगे कीवर्ड्स की जो लिस्ट है वो चेंज होती रहती है, मतलब कीवर्ड्स की कमी नहीं है। आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अभी मान लिया जैसे मैं अभी इमरान खान एक्टर बायोग्राफी डाल देती हूँ, यहाँ बायो लिखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बायोग्राफी आ गया, बायोग्राफी इन हिंदी आ गया, टीवी एक्टर इमरान खान बायोग्राफी आ गई। तो ये सारे तरीके होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, जिसको आप लेकर के अपना जो आर्टिकल है वो लिख सकते हैं। कभी भी आप ये मत सोच के चलिए कि गूगल पे अगर ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं तो आप उनको बीट नहीं कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन केस यही है कि जो मैंने अभी आपको तरीके बताए हैं वो आप तरीके को फॉलो कीजिए, अच्छे से कीवर्ड को रिसर्च कीजिए, उनका बैकलिंक्स चेक कीजिए, उनकी डोमेन अथॉरिटी को चेक कीजिए। इसके अलावा अगर आप HREF का यूज़ करते हैं तो HREF पे आपको SEO की डिफ़िकल्टी भी दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे आपको SEO डिफ़िकल्टीज की दिख रही होगी 29 है, तो ये मेरा एक्चुअली में मैंने कुछ तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है मैंने कीवर्ड सर्फर का, तो इस एक्सटेंशन की वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती है कि आपका ये जो डिफ़िकल्टी है वो कितनी है, ऑन पेज SEO कितना है, ऑफ पेज SEO कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती है। तो आप चाहें तो एक्सटेंशंस को भी यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ का पता लगाने के लिए, यहाँ पे इजीली पता लग जाता है। और इस कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन की एक और क्वालिटी है कि अगर मेरा एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट अभी स्लो है इसलिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हमने कोई भी यहाँ पे कीवर्ड डाला है ना तो उस कीवर्ड के सामने ये आपको उसका CPC और सर्च वॉल्यूम भी शो करता है। ये जो कीवर्ड सर्फर है इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर आप देखेंगे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है हर चीज़ को। यहाँ पे आपको इसका सर्च वॉल्यूम और साथ में इसको CPC कितनी मिलती है इस वाले कीवर्ड पे वो भी पता लग जाता है। तो आप इन सब तरीकों को यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। मेन आप क्या कर सकते हैं, गूगल से ही कीवर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से बेहतर आपको कोई भी कीवर्ड के लिए गाइड नहीं करेगा, क्योंकि हर एक चीज़ गूगल पे डिपेंडेड है, हर एक चीज़ गूगल पे अवेलेबल होती है, गूगल पे क्या ट्रेंड करता है उन्हीं को लेकर के लोग ब्लॉग लिखते हैं, उन्हीं के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं और रैंक भी करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको फोकस करना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग क्या चीज़ आ रही है, अभी आप किस चीज़ पर लिख सकते हैं। मैंने जो लास्ट डिस्कवर वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ समझाए हुए कि गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके आप कैसे डिस्कवर के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं, और डिस्कवर के लिए जो भी आप आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा आर्टिकल लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं है, 300 to 500 वर्ड्स ही रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर, जिससे आप गूगल डिस्कवर में आ सकते हैं। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर जाके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में
कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में जो मैंने बता रखा है वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें मिलेंगी आपको बिगनर लेवल पे है, आप जाके वो सारे वीडियोस जो है वो यहाँ पे देख लेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बैकलिंक्स के लिए भी बता रखा है, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस रिलेटेड कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसमें मैंने 8 वीडियोज़ हैं, इसके अलावा ये एफिलिएट के लिए अमेजोन एफिलिएट के लिए 3 वीडियोज़ ही मैंने अपलोड किया है। एक्चुअली मेरे प्रीवियस लास्ट टू लास्ट मंथ के अंदर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तब से थोड़ा सा मैं वीडियो में डिले कर रही हूँ। मेरा एक्चुअली मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, थोड़ा मेरा इधर उधर ट्रैवलिंग भी हो गया, बट नाउ अभी मैं आ चुकी हूँ, अभी मैं कंटिन्यू वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप यहाँ पे बैकलिंक्स के लिए भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके अंदर 15 बैकलिंक रिलेटेड किस किस साइट पर बैकलिंक बना सकते हैं, बैकलिंक्स क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में समझाया हुआ है, तो आप ये वाला भी वीडियो देख सकते हैं। साथ में सर्च कंसोल के एरर्स के लिए मैंने 8 वीडियोज़ बना रखे हैं। इसके अलावा ब्लॉगिंग रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपको इस वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। अभी जैसे मैंने शुरुआत ही करी है वीडियोस बनाने की, धीरे धीरे मैं और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। साथ में आप यहाँ पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करनी है तो ये वर्डप्रेस के लिए है, इसके साथ साथ ये ब्लॉगर के लिए है। तो आप सारे के सारे वीडियोस सारे के सारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप यहाँ पे सारा का सारा जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएंगी इन सब चीज़ों से भी। तो आज का मेरा वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास ऐसे ही आते रहे। आगे मैं आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आऊँगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।